नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। चरखी दादरी से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर कबीरनगर में हवाई फायरिंग से सनसनी फैल गई। बाइक सवार तीन युवकों ने हवाई फायरिंग की और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने से लोगों में भय का माहौल है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो वहीं बाइक सवार तीन युवक जिन्होंने फायरिंग की, उनकी तलाश जारी है। ताबड़तोड़ गोलियां चलने से आसपास के माहौल में अब भय का माहौल देखा जा रहा है, लोगों में डर है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तुरंत इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। आपको बता दें कि तीन बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और इसी के साथ पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि, किस वजह से ये फायरिंग की गई, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? बिल्कुल मोनिका, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि चरखी दादरी के कबीरनगर का पूरा मामला था, जहां पर बाइक सवार तीन युवकों ने धनाधन गोलियां बरसाई। इलाके में भय का माहौल हालांकि देखा गया था। पुलिस को जब इस पूरे मामले की इत्तला मिली, पुलिस मौके पर पहुंची थी जांच के लिए। जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी। हालांकि तीन जो मोटरसाइकिल सवार युवक थे, उनका अभी सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है कि आखिर वजह क्या थी और क्यों धनाधन हवाई फायर किए गए थे, धनाधन गोलियां क्यों बरसाई गई थी, आखिर इन युवकों की मंशा क्या थी। अब पुलिस पूरे मामले को खंगालने में जुटी हुई है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। हालांकि जिस तरह से मामला प्रकाश में आया था, उसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी, लेकिन इससे पहले ही बदमाश जो थे, वो जो हमलावर बदमाश थे, वहां से फरार हो चुके थे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरह से क्यों इस पूरे वाक्यात को अंजाम दिया गया था, आखिर जो हमलावर थे उनका मकसद क्या था, उनकी मंशा क्या थी, ये तमाम चीजें खंगालने में पुलिस जुटी हुई है, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रवि, क्या हमलावरों को वहां पर किसी ने देखा, क्या वो उसी सोसाइटी के रहने वाले हैं, इस तरह की कोई जानकारी? देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो महज उन्होंने देखा था कि तीन युवक से जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, धनाधन गोलियां बरसाई गई थी। उसके अलावा उनको इस बात का इल्म नहीं था कि आखिर ये कौन थे बदमाश युवक, उसी इलाके के थे या कहीं बाहरी इलाके के रहने वाले थे। अब इन तमाम पहलुओं पर जो है वो जांच की जा रही है। पुलिस को जब जानकारी दी गई थी, पुलिस अब उन्हीं पहलुओं के आधार पर जो है पूरे मामले को खंगालने में जुटी हुई है, पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। बहरहाल तमाम चीजें पुलिस के द्वारा जांची जा रही हैं कि कहीं कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज अगर मिलती है तो उसके हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन पहली बात यही है कि पुलिस जो है अब यही जांच रही है कि आखिर तीन युवक कौन थे, मोटरसाइकिल पर सवार होकर आखिर किस मकसद से वो आए थे, महज दहशत फैलाना मकसद था या फिर किसी को टारगेट बनाकर आए थे, तमाम चीजें जो है पुलिस इसी। बिल्कुल रवि, तो पूरी मामले की जो तफ्तीश है वो जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगी तस्वीर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।